लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में बुखार होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो प्रेगनेंसी हर महिला के लिए एक खूबसूरत समय होता है जब वह अपने होने वाले बच्चे को धीरे धीरे बड़ा होते देखती है। प्रेगनेंसी से लेकर के शिशु के जन्म और उसके बाद भी होने वाली माँ की सेहत के प्रति जरा से भी लापरवाही हानिकारक हो सकती है। ऐसे में होने वाली माँ को पूरा ध्यान अपनी सेहत पर लगाना चाहिए। कई माओं को प्रेगनेंसी का पहली तिमाही में बुखार के लक्षण नजर आते हैं। बुखार होने पर शरीर का तापमान सामान्य से ज्यादा हो जाता है। बुखार आमतौर पर इन्फेक्शन या किसी अन्य स्वास्थ्य की समस्या के संकेत के तौर पर होता है। बुखार होने पर गर्भवती महिला के शरीर का तापमान बढ़ जाता है, पसीना आने लगता है, ठंड लगती है, सर में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। और अधिक थकान महसूस होती है। प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में बुखार के कारण और इसके इलाज के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में गर्भवती महिलाओं को होने वाली समस्याएं, गर्भाशय के फैलने और खिंचाव के कारण पेट में ऐंठन महसूस हो सकती है। पहली तिमाही में हार्मोनल बदलाव, मानसिक तनाव के कारण उदासी और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। हार्मोनल परिवर्तन और पाचन तंत्र के धीमा हो जाने के कारण सीने में जलन और अपच जैसी लक्षण नजर आ सकते हैं। प्रोजेस्टेरोन के स्तर में वृद्धि के कारण पाचन संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। पहली तिमाही में महिलाओं को अधिक थकान, ऊर्जा की कमी और मॉर्निंग सिकनेस महसूस हो सकती है। प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में बुखार होने के कारण, प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में बुखार होना सामान्य नहीं है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। बुखार के कई कारण हो सकते हैं। वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण जैसे कि सर्दी, फ्लू, यूटीआई होने पर बुखार हो सकता है। प्रेगनेंसी में मिसक्रेज या एक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसी स्थितियों में भी बुखार आ सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी बदलाव होते हैं जिसके कारण इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी में बुखार आने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। प्रेगनेंसी में बुखार आने पर क्या करें? पर्याप्त आराम करने से शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद मिलती है। ज्यादा पानी, जूस और अन्य तरल पदार्थ पिए ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे और जिस इन्फेक्शन के कारण बुखार आ रहा है वह जल्दी खत्म हो जाए। माथे पर ठंडी पट्टियां रखें जिससे शरीर का तापमान कम हो सके। हल्का और पौष्टिक भोजन करें जिससे शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिल सके और कमजोरी ना हो। प्रेगनेंसी के दौरान बुखार को कम करने के लिए डॉक्टर पैरासीटामोल खाने की सलाह देता है। अन्य दर्द निवारक दवा जैसे कि इबुप्रोफेन प्रेगनेंसी में आमतौर पर सुरक्षित नहीं मानी जाती है, इसलिए इनका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। नींबू और शहद का गर्म पानी और तुलसी के चाय पीने से भी बुखार के लक्षणों को कम करने में मदद मिलती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।